नमस्कार, डेली न्यूज 360.com की ओर से पेश है नागालैंड की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नागा राजनीतिक समस्या का सम्मानजनक समाधान कुछ महीनों में निकल जाएगा। मोदी ने नागालैंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी सरकार के द्वार बातचीत के वास्ते हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि नागालैंड की बेहतरी की बात करने वाले सभी लोगों का उनकी सरकार सम्मान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नागा राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में नागालैंड के लोगों के लिए सम्मानजनक और उनके राजनीतिक अधिकारों का आदर करने वाला समाधान हम प्राप्त कर सकेंगे। मोदी हिंदी में भाषण दे रहे थे, जिसका तर्जुमा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू नागा में कर रहे थे। भाजपा 60 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शेष 40 सीटों पर NDPP ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा, वहीं 3 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। धन्यवाद।